आपकी मुलाकात। वेल आज हमारे साथ जो ओवर द फोन जुड़ गए हैं वो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एंटरटेनर, कोरियोग्राफर, एडिटर, एक्टर और रियलिटी शो जज नावेद जाफरी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। हाय नावेद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, हाउ आर यू? हाय। हेलो, हाय, कैन यू हियर मी? यस 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 यस, वी कैन हियर यू। जी जी, कैसे हैं आप नवेद जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक। तो नवेद जी, सबसे पहले ना हम आपको एक तो जी 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 हाँ जी, हमें भी लग रहा है थोड़ी सी आवाज हमें क्लियर नहीं है, बट स्टिल हमें आ रही है आवाज आपकी। तो नवेद जी, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो है वो टेलीविजन की जर्नी यानी उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? टेलीविजन की शुरुआत ये हुई है 1995 में। बेसिकली हम ऑड जॉब्स कर रहे थे या हम कुछ डायरेक्शन कोरियोग्राफी वगैरह वगैरह, बट देयर वाज नथिंग कॉन्क्रीट। सो मी एंड रवि वन डे वर सिटिंग एट होम एंड जस्ट थिंकिंग लेट्स डू समथिंग टुगेदर, कुछ नया चीज करते हैं, बहुत टाइम हो गया, नया क्या कुछ भी करते हैं। अच्छा। Then what happened was there was ZTV at that time. TV had been launched already. अच्छा। Launch हो चुका था। तो वो हम ये सोचे थे भाई यार ZTV पे कुछ चलो करते हैं हम, यार दूरदर्शन है यहाँ का जो गवर्नमेंट का चैनल है, जी जी, वहाँ कुछ कर लेते हैं। जी। So then we sat down, बोले करें तो क्या करें, बोले वही करेंगे जो स्कूल कॉलेज में करते थे। We used to do on stage, डांस करते थे, कॉमेडी करते थे, ऐसे कुछ बनाते हैं प्रोग्राम। क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि देखो यार अपना है ये, मैंने पेन पेपर लिया, आई रोट डाउन 10 मिनट्स, यार ये करते हैं चलो। अच्छा। वेरी गुड यार, नाम क्या रखेंगे? नाम अपना है, मेरा एक फेवरेट गाना था पुराना, बूगी बूगी डांसिंग शूज। अच्छा, किसका गाना था? तो मैंने कहा कि भाई यही कर लेते हैं, इसका नाम रख देते बूगी बूगी। बोला ठीक है। जावे से बात करी, जावे ऐसा है, अरे यार तुम लोग करो, तुम लोग करना है। तो देन हम गए ZTV पे, जावे की पहचान थी, वहां गए। तो वहां कुछ मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं, आप बात में आइए, चले आए। तो बात हुई नहीं वहां। तो देन बोले क्या करें, हम रुके रुके, तो पता चला कि एक नया चैनल खुल रहा है सोनी। अच्छा। तो देन वी चलो वहाँ चलते हैं, जावेद की वहाँ भी पहचान थी, जावेद का फोन किया तो मेरे भाई आने वाले, देख लीजिए आपको अगर ठीक लगे। देन वी वेंट देयर, वहाँ गए तो वहाँ बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिसीव किया। एंड वहाँ पे सुदेश अय्यर है थे उस वक्त, एक्चुअली जो सोनी खड़ा किया उन्होंने खड़ा किया, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें सोनी को बनाने। अच्छा। तो वो थे वहाँ पे, उनसे मैंने हम जाके क्या है यार बॉयज कम ऑन व्हाट हैव यू गॉट, दैट वी गॉट अ डांस कॉम्पिटिशन। तो बोले अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, दो लाइन में समझा दिया ये बोला वेरी गुड यार लेट्स गेट वी डूइंग इट। मैं हम लोग खुश हो गए, अरे डूइंग इट, यार वी डूइंग इट। बोला अभी लॉन्च नहीं हुआ है सोनी, इट विल टेक अनदर 8-9 मंथ्स टू लॉन्च, उसके बाद यू नो काम चालू रखते हैं आप लोगों का, आप लोग प्रिपरेशन चालू रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम फोन करते गए 8 महीने 9 महीने, सोनी लॉन्च हो गया, लॉन्च के बाद भी 3 महीने तक हम कॉल करते रहे, कोई जवाब नहीं वहाँ से। बोले यार ये क्या चक्कर है, बोल दिया हाँ और फिर उसके बाद हम भटक गए, तो थोड़ी सी होपलेसनेस हो गई वहाँ पे। फ्रस्ट्रेटिंग बार बार फोन लगा रहे, हर हफ्ते फोन लगा रहे, वो हुआ नहीं। हम लोग जी जी करेंगे, कुछ और करेंगे। तो देन आई यूज्ड टू
हैंडल जावेद शो एंड यू नो जावेद की फिल्मों में कोरियोग्राफी होती थी तो वो कर लेता था मैं। तो जावेद जा रहा था टूर पे अमेरिका, तो आई वाज ऑलरेडी गोइंग विद हिम, मेरा वीजा वीजा लग गया था, ही वाज लीविंग। आज रात को जैसे हमें निकलना है, हम आज रात को निकलने वाले थे और सारी तैयारी हो गई, पैकिंग वैकिंग हो गई है, वी आर रेडी टू गो। और दोपहर में मुझे फोन आता है उनसे घर पर कि भाई आपको कल ऑफिस में बुलाया है उदय जी ने, अरे मेरा यही क्या चक्कर है रात को तो मैं जा रहा हूँ। सही। तो क्या करूँ, तो बोला नहीं वो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा हो रहा है नहीं मेरा कुछ, बोला बस वेरी इंपॉर्टेंट आपको बुलाया है, कॉल रवि यार, बोले यार ये फोन आया है क्या करूँ, बोले अरे वहां से खुद फोन आया है, अब साल भर से फोन लगा रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट होगा तो ही कॉल किया होगा उन्होंने ना। सही सही। चांस ले कि नहीं ले, थोड़े से चांस ले लो, देखते तो मैंने जावेद को बोला यार जावेद बैठा ऐसा है, तो जावेद ठीक है तो नहीं चलना तो मत चल, देख ले चांस ले लो। खैर वी वेंट द नेक्स्ट डे जी एंड बोला यार यार गाइस वेरी सॉरी वी वर बिजी इन द लॉन्च और ये चल रहा है, बोला ठीक है भाई हम समझते हैं चैनल लॉन्च करना इज नॉट अ जोक, राइट खास तौर पे उस जमाने में जहां इतने ज्यादा थे भी नहीं। यस जी जी जी। तो फिर वो हुआ गए ऑफिस में बुलाया, बैठे चाय वाय लोग, वो चाय वाय को मंगाई, वो सीधा उन्होंने ड्रॉप खोला हमारे हाथ में चेक रख दिया। अच्छा। हम लोग देख रहे ये क्या हो रहा है, शुरू करो। अच्छी दारी शुरू मतलब बोले आप शुरू करो भाई, ये तो मनी। तो पहली बार हमको चेक मिला 14 लाख रुपए का, 3 लाख का चेक देके हम लोग का दिमाग घूम गया, जिंदगी में लाख रुपए नहीं देखे, 14 लाख रुपए था हमारे। तो वो उनका बिगिनिंग हमारी वहां से हुई और फिर हमने शुरू किया वहां से काम शुरू करना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई बट दैट्स द बिगिनिंग ऑफ बूगी बूगी। Wow, that's great. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी नवीद जी। तो ये मुझे बताइए जावेद जी का तो हमें पता है कि वो बहुत पैशनेट थे डांस को लेकर, आपका पैशन कितना था राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आप भी पैशनेट थे, आपने भी शुरुआत की थी डांस सीखा था या फिर बस स्टार्ट ही किया इस रियलिटी शो के साथ? ना जावेद ने सीखा ना मैंने सीखा, मैं सीखा कहीं थे हम लोग घर में रिकॉर्ड बजा के डांस कर सकते थे ऐसे ही गानों पे। अच्छा। वो क्या बर्थडे पार्टी में यहाँ वहाँ डांस करते थे, देन जावेद यूज्ड टू डांस इन कॉलेज स्टेज वेज पर, स्कूल में भी जावेद यूज्ड टू डू बिकॉज़ ही वाज एल्डर, तो पीछे पीछे मैं भी कर लेता था साथ में। अब वो ऐसा हुआ करते 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 82 में डांस चैंपियनशिप हुआ एंड जावेद वन दैट डांस चैंपियनशिप, 84 में भी हुआ उसमें मैं जीता ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप। वो बस करते रहे, जावेद को फिर ऑफर आया फिल्म का, तो हम लोग अमेरिका गए थे बेसिकली, डायरेक्ट पहली बार हमको ले गए थे अमेरिका। उसमें हम छोटे बहुत छोटे थे, वहाँ ब्रेक डांस शुरू हुआ था जब नया नया। अच्छा। हम लोग रास्तों पे लड़के अच्छे डांस करते थे काले बच्चे जी जी, तो वो उनको देख के हम लोग भी खड़े हो जाते थे वहां पे, ये क्या चीज है, तो हम कोशिश करते, तो उसके थोड़ा बहुत उनसे बैठ के आइडिया बच्चों से लिया, बॉम्बे में आके हमने भी करने लगे, और फिर आहिस्ता 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 करते करते जावेद को फिर फिल्म मिली मेरी जंग। सही। तो वो आपको दुख तो नहीं हो गया कि आपके दोस्त छोड़ के जा रहे हैं भाई? आपको दुख तो नहीं हुआ कि छोड़ के जा रहे हैं आपको? कहा कि जब उनको मूवी की ऑफर आई ना? हाँ, तो उससे क्या होता है, तो अच्छा था बात। अच्छा फिर आगे वो तो 84 की बात कर रहे हैं। जी जी नावी जी, लिटरली अगर हम लोग बात करें तो आपके शो से पता चले थे डिफरेंट डांस फॉर्म्स। आवाज आ रही है? हेलो, जी जी। तो नावी जी मैं ये कह रही हूँ कि लिटरली हमें ना आपके शो से पता चलना शुरू हुआ था कि हाँ डिफरेंट डांस फॉर्म्स होते हैं, जैसे भी आपने ब्रेक डांस का जिक्र किया और बहुत सारे फॉर्म्स, अब तो खैर बहुत सारे रियलिटी शोज हैं डांस पर बेस, लेकिन उस टाइम और इस टाइम को अगर आप कंपेयर करते हैं, अभी हाल ही में शायद आपने आपकी फैमिली ने एक पावर कपल को भी, एक वो शो भी था हमने उसको सुना था, काफी पॉपुलर हुआ था और वो उसमें आप लोग जीते भी थे टाइटल, तो वो एक्सपीरियंस और तब का बूगी बूगी का एक्सपीरियंस आपका खुद का कैसा? बूगी बूगी जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब शुरू करता है जब कुछ नहीं होता हाथ में, वो बूगी बूगी था। हम लोगों ने उसको यू नो कहीं 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 की ईट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये हिसाब किताब वही था कि कहीं से कुछ किया यहाँ पे निकाला, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल, वी वर एक्सपेरिमेंटिंग एवरी डे, और फेल होते होते
फिर कुछ हो गया अच्छा, फिर फेल हुए, फिर अच्छा हुआ, तो करते 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 हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, वो बन गया, बहुत मेहनत लगी उसमें बनाने में, आज बने बनाए मिला है, बिकॉज इट इज वी हैव ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट, तो दैट डिफरेंस यही है कि हमने पूरी मिस्टेक्स करके हमारे पे इन सब कुछ ले व्हाट यू कॉल मेहनत करके शो बनाया और उसका एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसको एक क्या कहते हैं उसे अभी बात की एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया और एक लेवल बना दिया जी जी वो सेट कर दिया एक चीज सेट हो गई अब वो सेट होने के बाद कॉपी कर लो तो फाइन दैट वेरी सिंपल राइट सही तो जैसे E is equal to MC square होता है वो आइंस्टाइन साहब ने वो फॉर्मूला बनाया उसके बाद आदमी ने रॉकेट बना दिया उसके बाद वो एक अलग चीज है बट बात ही होती है कि वो E is equal to MC square ढूंढना वो सबसे बड़ी चीज बहुत सही बहुत अच्छी बात तो नावी जी यहाँ से ये डिफरेंस ही है और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट बेसिकली डांस तो इवॉल्व होते गया अभी भी इवॉल्व हो रहा है उस टाइम पे जैसे डांस करते थे लोग आज बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है डांस बिकॉज एक्सपोजर बहुत मिल गया इंटरनेट से और यू नो पूरी दुनिया को लोग देख सकते हैं कहाँ क्या कर रहे हैं कोई कहाँ क्या क्या हो रहा है कहाँ डांस शो बन रहे हैं डांस इवॉल्व हो रहा है लोग कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर रहे हैं क्या इंस्पायर होते हैं लोग और यहाँ भी वही हुआ हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं आज बहुत अच्छे अच्छे बिकॉज डांस इवॉल्व हो गया था और फैसिलिटीज ज्यादा हो गई उस टाइम फैसिलिटीज कुछ नहीं थी जी जी तो उस वक्त बनाना बहुत मुश्किल था आज ही भी है बहुत ईजी बिकॉज द फैसिलिटीज आर सो मच नवीन जी कोई प्रॉब्लम नहीं सही कहा आपने नवीन जी एक चीज मैं ये पूछूंगी क्या डांसर्स जो हैं वो बाय बर्थ होते हैं या इनिशियली आप मतलब कोशिश करके कोई भी डांसर बन सकता है सीख के जैसे आजकल तो काफी सारे जो हैं वो स्कूल्स हैं और सीख के क्या कोई डांसर बन सकता है या फिर एक वो क्वालिटी आपको बाय बर्थ मिलती है और वो होना जरूरी है तभी आप डांसर बन पाते हैं आगे आर्ट देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी आर्ट हो वो गॉड गिफ्ट होता है वो आप डांसर नहीं बन सकते आप में ग्रेस जो है ना वो आपको गॉड गिफ्ट होता है और डांसर स्टेप्स का नहीं होता उसमें ग्रेस रिदम राइट म्यूजिक पकड़ने की जो 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 क्वालिटी होती है कि यार वो कौन सी अलग अलग बीट पकड़ता है वो आपके दिमाग में होती है दैट्स अ गॉड गिफ्ट आप इस ग्रेस से डांस करते हैं वो गॉड गिफ्ट है ग्रेस right. आप सीख सकते हैं लेकिन आप वो नहीं कर सकते जिसके पास गॉड गिफ्ट है जी वो एक अलग निकलेगा अलग ही दिखेगा दैट इज वाई दोज आर विनर्स जो यू नो दे आर वेरी डिफरेंट अब सिंगर में भी है सिंगर बहुत हैं अच्छे अच्छे गाते हैं बड़े सुर में गाते हैं लेकिन निकलते कौन है जिनमें वो पाठ होती है जिनमें गाने में आवाज में फीलिंग है दर्द है वो ही सिंगर बनता है वो गॉड गिफ्ट है सही बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसे ही नहीं हो जाता बाकी फील चाहिए और मुझे लगता है डांस में बहुत ज्यादा आपको अपनी बॉडी पर अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल भी चाहिए नवेद जी अब आगे हम आपको और किन चीजों में देखने वाले हैं क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आप समथिंग लाइक बूगी वूगी और समथिंग या कुछ और हेलो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं नवेद जी अभी हम कुछ बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली सम लाइव इवेंट्स हैं वेब सीरीज हैं टीवी का भी कुछ है तो वी आर ऑल इन द इट्स ऑल इन द प्रोसेस टाइम लगता है इन चीजों को बिकॉज अभी क्या हुआ है कि इतने सारी चीजें आ गई हैं उनके बीच में हमें उनको भी कुछ नया करना है दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग दैट्स इट वाओ दैट्स ग्रेट थैंक यू सो मच नवेद जी आपका हमको वक्त देने का हमसे बात करने का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए थैंक यू सो मच बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमको याद किया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर सर जाते जाते कोई अगर जो आपके फ्यूचर डांसर्स हैं उनके लिए कोई टिप्स कोई सजेशंस कोई एडवाइस ये टिप्स क्या है मेहनत करो बस और क्या बाकी ऊपर वाले तो छोड़ दो जीत और हार तो लगी रहती है जिंदगी में हर कदम पे जीत और हार है It's not only in dancing, it's life. So, take care. खारे भी तो शुक्र करो, जीते भी तो शुक्र करो, मेहनत कर लेगा, बस. All right, you need never give up. Thank you so much, Naveed bhai. Keep working hard. Thank you so much. आपका हमसे बात करने का. Take care. Allah Hafiz, Naveed ji. Allah Hafiz.